Wow, look at this. Amazing. I love it. I love it. This flush so amazing. हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब फोटो का नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होगा कि देख रही है, दो अनबॉक्सिंग होगा क्योंकि दो पैकेज है। तो ये है दो पैकेज, मैं पहले इसको अनबॉक्सिंग करूँगा क्योंकि ये कुछ प्राइस कुछ ज़्यादा है और ये वाला मुझे बहुत एक्साइटेड कर रहा है क्योंकि ये दो दिन पहले आया है। मेरा पैकेज जहाँ पर कुरियर में आता है वहाँ पर आया है, लेकिन वो लोग बोला नेक्स्ट दिन देता है। नेक्स्ट दिन के बाद दो दिन गुजर गए, उसके बाद आज दिया है, लेकिन ये वाला दो दिन से पहले आ गया। तो मैंने इसको रख दिया था क्योंकि ये दोनों एक साथ खुलना चाहिए क्योंकि इसका इक्विपमेंट इसमें अटैच होता है। तो ये पहले खुलते हैं और देखते हैं इसका अंदर क्या है और आई गेस कुछ अच्छा ही होगा। तो पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और ये है नाइफ। तो जब नाइफ से अनबॉक्सिंग करो तो संभाल के करना। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो पैकेज बहुत अच्छा तरीके से पैकेज किया है अमेजन वाले ने और यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह हैं। तो देखते हैं क्या है। किधर से खुलो भाई, इधर से सही लग रहा है। इसका हालत ऐसे क्यों है, कुछ उठा उठा सा लग रहा है, लगता है निकल गया। अमेजन वाले इतना प्राइस में ये आ रहा है, लेकिन इसका पैकेज देखो, और ये कुछ 250 रुपये का है और इसका पैकेज देखो कितना अच्छा है। लेकिन इसको भी पैकेज का अच्छा करना चाहिए ना, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं पता नहीं, तो देखते हैं अंदर क्या है। खुल गया हमारा पैकेज, ये रहा इसके अंदर। तो पैकेज बहुत अच्छा है, बबल है, देख रहे हो ना। तो बबल से पैकेज किया है और इसको हटा देता हूँ। और ये रहा हमारा फ्लैश। आई एम सो एक्साइटेड, मैं 1 ईयर से ट्राई कर रहा हूँ इसको लेने के लिए, फाइनली ये मुझे मिल गया। तो इसका बिल देखते हैं पहले। तो ये रहा इसका बिल, कुछ प्राइस कुछ ज़्यादा है। मैं 1 ईयर से कोशिश कर रहा हूँ लेने के और मैं कुछ पैसा बचा के ऐसे ख़रीदा है। तो इसको करते साइट, इसको भी सेट कर देते। तो सॉरी, तो ये है TT520II गोडेक्स का फ्लैश। पता नहीं किसका है, चाइना और जापानीज, किस में लिखा है पता नहीं। तो यहाँ पर कुछ दिया है हुआ है और ये रहा फ्लैश गोडेक्स, ऊपर भी लिखा है, देख रहे हो ना। तो करते हैं अनबॉक्सिंग, क्या निकालता है देखते हैं। तो सॉरी अबाउट दिस। तो इधर से खुले क्या, ओके फास्ट मुझे मिल गया ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम और शायद इस बैटरी में चलता है, पता नहीं किधर से ओपन होता है, बाद में देखते हैं। इसके बाद इसको ओपन करते हैं। वाओ, पैकेज तो अच्छा लग रहा है। ओके, तो एक कुछ मैनुअल वगैरह है आपका फ्लैश के लिए, बहुत बढ़िया है। तो किताबें थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ओके, इसके कहते हैं साइट, ये भी कुछ गोडेक्स वारंटी कार्ड समथिंग, 1 ईयर का वारंटी होगा, पता नहीं जापानी से चाइनीज, पता नहीं। गोडेक्स ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं। और ये रहा ट्राइपॉड उसका, और ये कुछ क्या लिखा है, डोंट ईट। ओके, मैं इसको खाऊंगा नहीं। तो ये रहा पैकेज, और इसमें क्या है भाई, ओह कुछ पास किसके लिए। ओके, गोडेक्स के लिए, गोडेक्स फोटो इक्विपमेंट को लिमिटेड कुछ। ये है पैकेज, ये पैकेज बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसको करते ओपन। वाओ, फाइनली मुझे मिल गया, कितना अच्छा लग रहा है। गोडेक्स का फ्लैश है, देख रहे हो इधर कुछ सिस्टम वगैरह है। तो पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इसको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको फुल रिव्यू कर दूंगा। तो इस वीडियो के साथ ही होगा, कोई बात नहीं, तो लास्ट तक देखना। तो ये रहा
और इस साइड में शायद बैटरी होगा। हाँ, 4 बैटरी। मैंने इसका पहले जो वीडियो अनबॉक्सिंग किया था तो उसके अंदर मैं बैटरी का अनबॉक्सिंग किया था और कुछ फ्लैश का अनबॉक्सिंग किया था, आप देख सकते हो आई बटन में, तो वो बैटरी इसमें अटैच होगा। तो ए रिकमेंड, ए पैकेज, ए फ्लैश, ए रिमोट, ए कुछ ट्राईपॉड और ए है बॉक्स, ए है सब के सब। तो इसको करते साइट और वो नेक्स्ट वाला बॉक्स में देखते क्या है। ओके, एरा नेक्स्ट बॉक्स और इसके अंदर है उसका इक्विपमेंट जो सामने की तरफ, अब बॉक्स खोलने के बाद पता चल जाएगा आपको। तो इसको ओपन करते हैं, मैं इसके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट ओपन कर देता। ओके, ओपन हो गया बॉक्स और ए रहा इसका कवर, इसका बिल मैंने कुछ है, इसका बिल है और ए रहा पैकेज, ओह सॉरी, ए रहा इसका पैकेज और इसके अंदर है वो चीज़, क्या पैकेज है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ए रहा वो चीज़, तो इसको ओपन कैसे करते हैं, सॉरी, ओके, ए रहा ये सामने फ्लैश के साथ अटैच होता है, ठीक है ना, ये रहा वो चीज़ जो सामने की तरफ होगा। तो वो फ्लैश मतलब वो जो फ्लैश लिया है उसका अंदर बैटरी डाल के देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा इसमें ए एनालॉग प्रो का बैटरी है, बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, पहले बार ले रहे हो तो मेरे ख्याल से लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मैंने बहुत बार वीडियो और बहुत साइड में चेक करने के बाद ये लिया हूँ और इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। तो वो देखते हैं इसके एड्रेस करके। ओके, कौन सा वाला किया जाएगा, ए वाला ऊपर की तरफ रहेगा मेरे ख्याल से, लेकिन ऐसा ए वाला नीचे की तरफ जाएगा। ओके, ए वाला ऊपर की तरफ रहेगा, सॉरी पता नहीं, मिस हो गया, सही। रस्ते बेटा अरे अंदर घुसा है, ओके मिल गया, ये रहा वो सिस्टम। ओके, पहला वाला जो, ओके समझ गया, अच्छा, तो इसको ऑन कैसे करते हैं, ऑन, ओके ये ऑन हो गया, ब्लू लाइट दिखाई दे रहा है ना, तो इसका पता नहीं ये घूमते कैसे। ओके, इस तरह बात है, ये घूम भी जाता है इस तरफ उस तरफ, ऐसे भी घूमता है, बहुत अच्छा। तो ये वाला इक्विपमेंट से रुक जा सके, ये वाला जो इक्विपमेंट है, ओके इसके अंदर घुसा के कुछ इस तरीके से आएगा, पता नहीं मुझे उतना अच्छा नहीं पता। तो अब जब कैमरे में अटैच करो तो क्या करना चाहिए, इसको जब कैमरे में अटैच करो तो इसको अब निकलना चाहिए, सॉरी किधर चला गया। उसके बाद इसको आपको अंदर देना चाहिए एरा और इसको ये वाला टाइट कर दो और कैमरा ओपन करो, फ्लैश ऑन करो, ऑन हो गया और ये देखो कमाल, सॉरी देख रहे हो ना इसके अंदर से लाइट निकल रहा है। तो ए रहा वो फ्लैश जो मेरा कैमरा में अटैच है, देख रहे हो मैं ए रहा वो मैक्रो इक्विपमेंट के लिए जस्ट ए सेटिंग है। तो मैं निकला हूँ मैक्रो फोटो के लिए और मैं 2 से 3 वीक तक इसको प्रैक्टिस किया लगातार और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है मेरा पिक्चर के लिए। ए स्विच ऑन ऑफ का है, देख रहे हो जब ऑन होगा रेड नीला बटन आ जाएगा और ए लाल है पावर का, ए जब
ये पावर बटन लाल जो रेड लाइट दिखाई रहा है, ये जब ऑफ हो जाएगा तो आपका बैटरी ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर। बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन देखिए मैं करीब एक दिन में दो बार निकलता हूँ मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, एक सुबह में और शाम में, करीब 2 से 3 घंटा तक फोटोग्राफी करता हूँ। मतलब 3 घंटा पकड़ लो तो 3 6 6 आवर 3 दिन तक चलता है, 18 आवर तक चलता है जो एनालॉग प्रो का जब बैटरी है। ये बहुत अच्छा है और मुझे कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है फ्लैश, मतलब टिगर का वाईफाई कनेक्शन लाइट है, आप टिगर से भी पिक्चर खींच सकते हो। मैं कुछ पिक्चर खींचा था और बहुत अच्छा है और लाइट भी बहुत। और यहाँ पर जो स्विच है, देखिए ये स्विच का लाइट एस एंगल हाई पावर में लास्ट 3 ये बहुत अच्छा पावर देता है। मैं ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखिए मैक्रो फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा लाइट लगता है। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ और एपर्चर कुछ 16 और ISO 100 और शटर स्पीड 1/200 ऐसा कुछ, तो पिक्चर सो कूल एंड अमेजिंग आता है, बहुत अच्छा आता है और जस्ट अमेजिंग। और ये जो ग्रिप है, मैं ये जो है ये वाला है, तो ये वाला जो है मैं हैंडमेक करके कुछ बनाया था और उससे कुछ पिक्चर खींचा था। आप देख सकते हो पहले जो मैं मैक्रो फोटोग्राफी का वीडियो दिया बहुत पहले, तो उसमें मैं इसका पिक्चर खींचा तो वो भी थोड़ा बहुत आ जाता, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत अच्छा पिक्चर आता है। तो देखते हैं क्या पिक्चर मिलता है और जस्ट कूल अमेजिंग। तो चलिए कुछ मैक्रो पिक्चर खींचता हूँ और आई शो दैट हाउ इट्स अमेजिंग पिक्चर देता है। Wow, look at this, amazing, I love it, this flash so amazing, wow. तो दोस्तों कैसा है वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है DC 250 के ऊपर, और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो लेंस के ऊपर DC 250 के ऊपर, तो मैं वीडियो के थ्रू वो आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टाटा बाय बाय आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।